Hey guys, what's up? It's me Kashish. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Welcome guys. पहले तो मैं बहुत सारी गालियाँ खाने वाली हूँ बिकॉज मैं इतने टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी और उसके लिए मेरे पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है. माइट बी बिकॉज मेरे पास कॉन्टेंट की कमी थी और मे बी इट्स जस्ट बिकॉज मैं आलसी हूँ. जो भी आपको ठीक लगे और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए इस चीज़ के लिए. एंड नाउ कमिंग टू द वीडियो. सो आज की वीडियो इज़ नॉट अ व्लॉग, नॉट अ हॉल, बट इट इज़ अबाउट आर काइंड ऑफ जर्नी. लाइक हम लोगों को स्टेज परफॉर्मेंस देना था एंड इट्स अबाउट दैट. तो ये पूरी एक मूवी भी बन सकती है. सो पूरी वीडियो ध्यान से देखना बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टिंग और मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं इस वीडियो के साथ. सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक दिस वीडियो. कमेंट ऑन दिस वीडियो आपको जो भी फील हुआ एंड विदाउट एनी फर्दर बकवास लेट्स गेट स्टार्टेड. द थिंग इज कि सेमेस्टर के स्टार्टिंग में मी एंड माई फ्रेंड आशी वी डिसाइडेड कि हम लोगों को स्टेज पे जाना है. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग डांस करेंगे. हम लोगों ने डांस में भी चूज़ किया गरबा. आई डोंट नो वाई, पता नहीं, फ्रॉम नो वेयर वी चूज गरबा जिसका हमें जी भी नहीं आता था. हम लोगों ने इंट्रा में परफॉर्म किया, लाइक जो इंट्रा डिपार्टमेंट था. और हमारे एक मेंटर जो कॉन्टीन्यूसली रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक, वो थे ऋत्विक सर, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज़ अ गुजराती तो अच्छे से गाइड कर पा रहे थे वो हम लोगों को. तो हम लोगों ने इंट्रा में परफॉर्म किया. इंट्रा में वी गॉट क्वालिफाइड. देन हमें परफॉर्म करना था सी यू फेस्ट के लिए. दी सी यू फेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड माना जाता है गाइज. सो हमें इसमें परफॉर्म करना था. तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले वी इंट्रोड्यूस्ड बॉयज़ बिकॉज ऑब्वियसली बॉयज़ आते तो हाइप होती है एक डांस के अंदर जब गर्ल्स और बॉयज़ साथ में कर रहे हो. तो हम लोगों ने उन लोगों को ऐड किया. फिर हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी अराउंड आज से 1.5 महीने पहले. इनफैक्ट हम में से एक भी बंदा गुजराती नहीं है और हम गरबा कर रहे हैं. इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है. हम लोग प्रैक्टिस कैसे करते थे, फ्री लेक्चर्स होते थे तो क्लासेस में जाके डांस करते थे. लाइक कोई क्लास खाली है तो हम वहीं पे पहुंच जाते थे. ऊपर से इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हम लोग जाते थे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए. फिर जब सारे बच्चे चुके होते थे तो जो ओपन एरिया होता था वहाँ पे भी हम लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते थे. तो मतलब कहते हैं ना, एक बेशर्मी छोड़ ही दी थी हम लोगों ने कि एक शर्म होती है कि सबके सामने डांस नहीं किया जा सकता. तो वो तो हमने छोड़ ही दी थी. हर जगह हम कहीं पर भी नाचना शुरू कर देते थे. हम लोगों ने ना सैटरडे, हम एक वीकेंड भी हमने नहीं छोड़ा है. हम हर वीकेंड कॉलेज जाते थे और जाके अपना प्रैक्टिस करते थे बिकॉज गरबा इज़ डिफ़िकल्ट. अब फास्ट फॉरवर्ड टू सी यू फेस्ट वाला दिन. उस दिन क्या होता है कि हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा. हम 9 बंदे हैं, 9 बंदों में से 6 बंदे बीमार हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर ये जुनून है कि नहीं, हमने करना है, एक लास्ट टाइम हमने गरबा करना है और हमने आग लगा देनी है. लिटरली उस दिन वैसे तो बस स्टेज तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, डांडिया मार मार के सब से फोड़ देंगे. इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था हमारे अंदर. बट जब बात आती है परफॉर्म करने की, हम लोग पूरे हाइप्ड अप कि आज तो आग लगा देंगे पूरे. मतलब हमारे डिपार्टमेंट में सबको पता है कि गरबा कर रहे हैं बच्चे, गरबा कर रहे हैं. हमने देखना है सबको. हमारे फ्रेंड्स सुबह 12 बजे से आए हुए हैं और हमारी परफॉर्मेंस किस टाइम हो रही है, शाम को 6:30-7 बजे के आसपास हम लोग तैयार होकर बैठे हैं. हमारे दोस्त तैयार है, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं कि तुम कब आओगे, हम तुम्हारे लिए बैठे हैं सिर्फ. तो ओके, लाइट भी चली गई, नाइस. गॉड इज़ गिविंग मी साइंस की इतना सच मत बोल देना इस वीडियो में, ठीक है गॉड, आई विल टेक दैट. तो हम जैसे ही डांस करने लगते हैं, हमारा डांस बहुत अच्छा जा रहा होता है. चीज़ कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया, इतनी बढ़िया हमारी ड्रेसेस. लाइक उस दिन हमें पता था कि हम जीतने वाले हैं बिकॉज हमारी ड्रेसेस इतनी अच्छी हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा जा रहा था और इंटरेक्शन ऑडियंस के साथ इतना बढ़िया हो रहा था. प्लस हमारे प्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे. पहले बता दूँ, बहुत खर्चा किया था हमने हमारी ड्रेसेस और हमारे प्रॉप्स पे. मैं बता नहीं सकती इतनी दूर दूर से हम लोग जीरकपुर से, लाइक खरड़ से जीरकपुर, बहुत साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाली चीज़ है. तो हम लोग वहाँ से जा जा के लेके आए हैं और हम लोग बढ़िया अपना हम लड़कियों वाला पार्ट चल रहा था जिसमें बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और एकदम से म्यूज़िक रुक जाता है और फिर आवाज़ आती है. थैंक यू. हमारी दुनिया वहीं ख़राब. ये क्या हो गया? बैक स्टेज जो केओस चल रहा था वो तो अलग ही. सब आपस में गालियाँ दे रहे कि ये क्या बात होगी कि बीच में कैसे रुका दिया, ऐसे कैसे हो सकता है. और वो चीज़ ये थी कि कॉलेज में, लाइक हेलो हेलो सी यू वाले लोगों, कॉलेज में पॉलिटिक्स होती है बेटा.
ऐसे ही होती है दुनिया, ऐसा हमें कहा गया। ठीक है, जो मैनेज कर रहा था सब उस दिन वो दूसरे डिपार्टमेंट वाले थे और उन्होंने गाना बीच में रुकवा दिया जस्ट बिकॉज ताकि उनकी उनका डिपार्टमेंट जीत सके, और तो क्या रीज़न होगा। ठीक है, तो उन्होंने हमारा बीच में रुकवा दिया। कोई भी टीचर सामने नहीं आया, कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक हमारे जो टीचर थे रुतविक सर वो गए उनसे लड़े कि ये क्या बात हुई, बच्चों ने इतनी परफॉर्मेंस अपनी तैयार की है, एक महीने से लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा उन्होंने खर्च किया, आप लोग ऐसे बीच में नहीं रोक सकते। बट ही वॉज लाइक सर मैं आपको आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई करवा दूंगा, आप पीछे हट जाइए, आप बीच में मत बोलो। ठीक है, ऐसे करके हमें धमकी दे दी। हमारे सीनियर्स थे वो भी उनसे बात कर रहे थे कि सर ऐसे मत करो, इनको एटलीस्ट हमें परफॉर्म तो करने दो। ठीक है, तो वो दिन चला। ये तो थी उस दिन जो हमारे साथ फालतू की चीज़ें हुई थी और जो हमारा दिमाग ख़राब हुआ था उस दिन की बातें। बट चलो अब पॉजिटिव चीज़ों पे चलते हैं। सो पॉजिटिव चीज़ थी कि हाँ हमारे जो रुतविक सर हैं उनकी फेयरवेल की थी हम लोगों ने। सो दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग आई नो, बट उस दिन हमारा दिन ही बहुत अच्छा गया था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग सर को फेयरवेल देंगे हमारे स्टाइल में। तो बाकी सब क्या करते हैं कि बाहर लेके गए हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना पीना कर रहे हैं नॉल। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमारे एक फ्रेंड है उसके फ्लैट पे ही सब कुछ किया हम लोगों ने अरेंज, लाइक उनके घर पे पूरा किचन सेटअप किया और खुद हम लोगों ने चीज़ें बनाई। फिर हम लोगों ने क्या किया था, रूम था एक, उसके अंदर हमने पूरा लाइटिंग का सेटअप किया हुआ था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। नीचे हम लोगों ने गद्दे लगा के और सुंदर सी बेडशीट बिछा के पिलोज लगा के बाइक बाकायदा बहुत सुंदर सेटअप कर दिया था। सर के साथ हमने सर की वाइफ और उनकी बेटी को भी इनवाइट किया था, तो वो लोग भी हमारे पास साथ आए, ज्वाइन किया हमें। सर को वेलकम किया एक प्यारे से बुके के साथ और एक अलग से रोज़ हम लाए थे सर की बेटी के लिए, हर नेम इज़ आद्या। ओके, आद्या के लिए हम लोग रोज़ लेके आए थे। फिर हमने सर को वेलकम किया तो सर तो पहले सेटअप देख के ही बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लाइक यही तो हम चाहते थे। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया गोलगप्पे से, मैं बनी बीबीए गोलगप्पे वाली बिकॉज कॉलेज से तो प्लेसमेंट मिली नहीं तो यही करना पड़ रहा है, ऐसा हमने टैगलाइन बनाई और स्टार्ट किया। सो मैंने गोलगप्पे सर्व किए, देन हम लोगों ने एक गेम स्टार्ट किया जिसके अंदर हम खेल रहे थे पासिंग द पार्सल और साथ में टूथ एंड डेयर, लाइक जिसके ऊपर पिलो रुका, म्यूज़िक रुका, उसको कोई टूथ या डेयर करना था। तो हम लोगों ने काफ़ी ऐसे सर ने डांस किया, कुछ बच्चों ने कथक किया, कुछ बच्चों ने अपने सच उगले तो ऐसे सब कुछ फन सिचुएशन हुई। बाद में हम लोगों ने डांस किया, डांस करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं अपने घर चली गई थी। मैं और मनोबिना पहले चले गए थे एंड देन मेरे इतने बदतमीज़ दोस्त हैं, मतलब हाँ ठीक है तुम लोग बात तक रुके थे बट व्हाट इज़ दिस बिहेवियर कि मुझे वीडियो बना के भेज रहे हो और क्या कह रहे हो। ये कि वी आर एंजॉइंग, ठीक है यार, ठीक है अब मतलब अब तुम लोग कैसे चिड़ाओगे मुझे। तो ये सारा हम लोगों ने फेयरवेल किया सर का, बहुत अच्छा था। सर इमोशनल हो गए थे बहुत ज़्यादा, सर ने हमें लाइक अच्छी एक स्पीच काइंड ऑफ अपना एक मैसेज दिया। और आपकी क्या फीलिंग्स हैं मुझे, और ये देख के मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ें छोड़ के जानी पड़ रही है, it is very painful for me. That was it for the farewell part. सब कुछ सेटल हो चुका होता है तो हमारे अंदर ये चीज़ तो थी कि हम लोग परफॉर्म तो करके रहेंगे, देखो ट्रॉफी आए या ना आए हम लोग परफॉर्म तो करेंगे चाहे हमें कैसे करना पड़े। तो हमारा पहले प्लान था कि हम लोग जो MBA वाले फेयर MBA वाले बच्चों की जो फेयरवेल है उसके अंदर परफॉर्म करेंगे, बट उससे पहले हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि एक और इवेंट है जज्बात नाम का,
जिसके अंदर वी कैन परफॉर्म. तो हम वो होना था अलग डिपार्टमेंट में. तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई, फिर से हम लोगों ने ड्रेसेस खरीदी. एक दिन पहले, लाइक एक दिन की प्रैक्टिस से हम लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पे. तो जो हमें मज़ा आया, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन. इतने अच्छे उन लोगों के ग्रीन रूम थे, इतने अच्छे उन लोगों के कोऑर्डिनेटर्स थे. वो लोग हमें इतना पूछ रहे थे कि अच्छा तुम लोगों गरबा ग्रुप के, ओके ओके ये करो ये करो. लाइक इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था कि ये दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज, ऐसे मैनेज करनी होती है चीज़ें. तो हमारा परफॉर्मेंस था उस दिन, तो हम लोगों ने पहले बहुत बकवास की, क्योंकि उस दिन आने कौन आया हुआ था वहाँ? इंदर चहल, बबल राय, तारक मेहता. सलेश जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक है, वो हमारी परफॉर्मेंस स्टार्ट हुई. हम लोगों ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी. मैं तो साथ क्या होता है कि मैं तो दो बारी मैं गिरी. एक बारी मेरी स्कर्ट जो है वो लाइक स्टक हो गई थी ऊपर, मैंने उसको किया और मैं परफॉर्मेंस के बाद ऐसे हो गई थी, शिट यार ये क्या गंदी परफॉर्मेंस थी मैंने. बट हमारी परफॉर्मेंस पहले हो गई थी तो हम सबको सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है. तो सब आगे परफॉर्म कर रहे थे, पीछे स्पेस था, तो जो जो गाने बज रहे थे हम लोग डांस कर रहे थे और बकवास कर रहे थे. मतलब जो लोग गा रहे थे तो हम साथ में गा रहे थे. पॉइंट पे तो जब हम लोग डांस कर रहे थे, लाइक भंगड़ा हो रहा था, जब भांगड़ा के टाइम पे जब हम लोग डांस करने लगे तो लोग आगे वालों की छोड़ के हम लोगों की वीडियो बना रहे कि देखो गरबा वाले भांगड़ा भी कर रहे हैं अभी. एंड वी वर लाइक डिस्कसिंग कि हाँ अब रिजल्ट आने वाले और देखते हैं आएगा या नहीं. बट वो एक अंदर से एक चीज़ होती है ना कि मे बी हो सकता है, मे बी हो सकता है. तो हमारे पास एक भैया आते हैं, वो कहते हैं कि सस्पेंस रखूँ या बता दूँ. तो वी वर लाइक बता दूँ. कहते हैं तुम्हारी है इसके बाद पोजीशन. और उन्होंने जैसे सेंटेंस ख़त्म किया और तभी आता है कि द थर्ड प्राइज गोज़ टू द गरबा ग्रुप. फुल स्पीड में भाग के हम लोग स्टेज पे पहुँचे. वी वॉन गाइज, वी वॉन.